अभी सब्सक्राइब कीजिए ट्रू डिस्कवर चैनल को और बेल आइकन को दबाए ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। इंटरनेट में ऐसा एक मैसेज और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है 23 सितंबर 2017 को दुनिया तबाह हो जाएगा। दूसरे कुछ लोगों का कहना है 23 सितंबर 2017 में दुनिया में एलियन का अटैक होगा। ना तो दुनिया में कुछ ऐसी अजीब कुछ होगा जो अब तक हुआ नहीं। कुछ लोगों का यह कहना है कि 23 सितंबर 2017 में दुनिया में ईसा मसीह के आगमन होगा और इसके साथ वर्ल्ड वॉर 3 का आरंभ होगा। अब यह सवाल आता है कि यह खबर क्या सही है, अगर सही है तो कितना और सही नहीं तो क्यों नहीं। आपकी जानकारी के लिए हम यह बता दें, दुनिया तबाह हो जाएगा इस तरह की खबर आगे भी वायरल हो चुका है जिसमें प्रमुख 2005 में दुनिया तबाह हो जाना, 2012 और 2015 में दुनिया तबाह हो जाना और अब 23 सितंबर 2017 में दुनिया तबाह हो जाना, यह खबर तेजी से फैल रहा है। यहाँ एक सवाल बहुत अहम है कि आखिर इस साल यह खबर क्यों वायरल हो रहा है, 23 सितंबर 2017 को ही क्यों दुनिया तबाह होगी, दूसरी कोई तारीख में क्यों नहीं। उसकी वजह नासा की एक रिपोर्ट और बाइबल की एक आयत है। नासा की रिपोर्ट कुछ इस तरह है कि आसमान में सितारों की एक झुंड है जिसे वीरको का नाम दिया गया है और उस वीरको की जो शक्ल है वह एक औरत की तरह है और 23 सितंबर को सूरज वीरको की तरफ आएगा और चांद वीरगो की पांव की तरफ आएगा, जुपिटर वीरगो की अंदर होगा और 3 सियारे जिसमें मार्स वीनस और मरकरी ऊपर की तरफ होगा और ऊपर की तरफ दाहिने तरफ लियो होगा जो 9 सियारों का एक झुंड होता है। और बाइबल की आयत कुछ इस तरह है, A great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. She was pregnant and was crying out in birth pains and the agony of giving birth. अर्थात, स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, एक महिला जो सूर्य के साथ पहनी थी, उसके पैरों के नीचे चंद्रमा थी और उसके सिर पर 12 सितारों का मुकुट था। वह गर्भवती थी और जन्म के दर्द और जन्म देने की पीड़ा में रो रही थी। और आप देखेंगे नासा की रिपोर्ट और भाई बिल की आयत को किस तरह से तोड़ मरोड़ के मिला रहे हैं ईसाई लोग। बाइबल की आयत में औरत के बारे में बताया गया है लेकिन आप देखें तो वर्जन में कोई भी शक्ल औरत की बन नहीं रही है। अगर यह मान लिया जाए कि यह शक्ल औरत की बन रही है तो सवाल आता है उसकी सर के ऊपर 12 सितारे वाला मुकुट किधर है। और जब कुछ लोगों को उसका सही जवाब मालूम नहीं होते तो वह लोग कहते हैं उसके ऊपर जो लियो मौजूद है वही ही 12 सितारे वाले मुकुट है। लेकिन यहाँ फिर से सवाल आता है, अगर यह लिए उसकी ताज ही है तो वह उसकी सर पर क्यों नहीं है, वो तो अलग है। अगर फिर से यह मान लिया जाए कि वह उसकी ताज ही है तो उसमें तो 9 सितारे है लेकिन बाइबल में तो 12 सितारे की बारे में बताया गया है। आपको यह बातें सुनकर जरूर हंसी आई होगी, इस तरह की कारणों के लिए दुनिया तबाह हो जाएगा। आप लोगों को इस तरह की खबर से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से 2005 की खबर झूठ हुआ था, जिस तरह से 2012 की खबर झूठ हुआ था, उसी तरह 2017 की 23 सितंबर की खबर भी झूठ होगा।